पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में 3 दिन के अंदर लव जिहाद का दूसरा मामला सामने आया है। यहां एक जनरल स्टोर संचालक 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा को लेकर लापता हो गया। छात्रा की मां ने आरोपी के खिलाफ कटघड़ थाने में FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग छात्रा और आरोपी दुकानदार को एक मकान से बरामद किया है। पता चला है कि हिंदू लड़की से दोस्ती करने के लिए आरोपी फहीम ने अपनी सगी बहन को जरिया बनाया था। घटना मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में पीतल बस्ती इलाके की है। मूल रूप से गुलाबबाड़ी का रहने वाला फहीम उर्फ निदा पीतल बस्ती में जनरल स्टोर चलाता है। फहीम करीब 2.5 साल पहले गुलाबबाड़ी से पीतल बस्ती में शिफ्ट हुआ था। यहाँ उसने अपने जनरल स्टोर के ठीक सामने रहने वाली नाबालिग हिंदू लड़की से अफेयर शुरू कर दिया। इस संबंध में थाना कटघर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 363/66 IPC का, साथ में, क्योंकि जो लड़की है वो नाबालिग है तो उसमें पॉक्सो एक्ट की भी कार्रवाई की जा रही है। अभी जो भी उसमें कार्रवाई है उसका कोर्ट में बयान करवाया जा रहा है, मेडिकल करवाया जा रहा है और उसी के हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी की गई है। सर, क्या कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है किन किन धाराओं में इसमें मुकदमा होगा? मैंने बताया जैसा आपको अभी कि 363/66 IPC पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई इसमें की जा रही है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।